बाहुबली विधायक नेता मुख्तार अंसारी की मंगलवार को बांदा जेल में हार्ट अटैक से तबीयत बिगड़ गई। उधर अंसारी की पत्नी को भी हार्ट अटैक आया और जानकारी के मुताबिक आपको बताया चले कि दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पहले दोनों को कानपुर रेफर किया गया, फिर देर शाम लखनऊ के पीजीआई लाया गया। यहां कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पी के गोयल के देखरेख में किया जा रहा है इलाज। बता दें कि 12 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मायावती ने बीएसपी से टिकट दिया था। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को भी दिल का दौरा पड़ा, वे उनसे मिलने बांदा जेल में आई थी। आपको बताते चले कि अंसारी मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक हैं। एडीजी जेल पीके मिश्रा ने बताया, इसी बीच बातचीत में उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में उन्हें कानपुर रेफर किया गया। इसके बाद देर शाम दोनों को लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया है। क्या हुआ था आखिर, ये बताते चले आपको। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। लेकिन जेल के पास ही मुख्तार की फैमिली भी किराए के मकान में रहती है। जब यह खबर परिवार तक पहुंची तो मुख्तार की पत्नी की हालत भी बिगड़ गई। करीब 1:15 बजे तक वाइफ को भी मुख्तार के साथ एक ही कमरे में एडमिट कराया गया। कौन है मुख्तार अंसारी, ये भी जाने। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी यूपी के कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली थी। मऊ से 5 बार विधायक रह चुके हैं मुख्तार अंसारी, 5 बार। 1 बार निर्दलीय, 1 बार कौमी एकता दल से और 1 बार एसपी से, 2 बार बीएसपी से विधायक रह चुके हैं मुख्तार अंसारी। उनकी हालत बिगड़ चुकी है, इस दौरान उन पर केस दर्ज है और वो जेल में अपनी सजा भुगत रहे हैं। मुख्तार अंसारी की तबीयत